पुणे की जवाहर कॉलोनी में एक राजस्थानी परिवार रहता था। परिवार में हिमांशु जोशी, उनकी पत्नी विभा, बेटी सुधा, बेटा समीर और हिमांशु की बूढ़ी माँ रहती थी। सब लोग एक दूसरे को बहुत चाहते थे। परिवार में खुशनुमा माहौल था। एक दिन सुबह जब हिमांशु अपनी सुबह की सैर से घर लौट रहा था, उसने देखा लाला रतन मल हलवाई की दुकान पर एक तरफ गर्मा गर्म दाल की कचौरी तल रही है और दूसरी ओर जलेबी बन रही है। नाश्ते के लिए उसने वहां से 10 कचौरी और पाव भर जलेबी ले ली, साथ ही पास के मेडिकल स्टोर से मां की दवाइयां भी ले ली और घर आ गया। घर पर हिमांशु, सुधा, सुधा बेटा ये कचौरियां और दादी की दवाइयां ले जाओ, मम्मी को दे दो। दादी, हिमांशु क्या लाया है? मेरी दवाइयां लेकर आया क्या? हिमांशु, हाँ माँ, आपकी दवाइयां ले आया हूँ। विभाग, सुधा जाकर पापा से पूछ कर आ कितनी कचौरी लेंगे, और आलू की सब्जी कचौरी फोड़ कर उसी में डाल दूं या अलग से कटोरी में लेंगे? सुधा, पापा आपको कितनी कचौरी दूं और सब्जी कैसे लेंगे? हिमांशु, मुझे दो दे देना और सब्जी उसी में डाल देना, और हाँ बेटा जलेबी और चाय का भी देख लेना। सुधा, हाँ पापा मैं जलेबी भी एक प्लेट में डालकर लाती हूँ, चाय मम्मी बना रही है। दादी ये कचौरी लाला रतन मल हलवाई की दुकान से है क्या? सुधा, हाँ दादी उसी दुकान से है। इतने में ही विभा ने एक सेब काटकर दादी जी को दे दिया। दादी पता नहीं अब कैसी बनती होंगी। हिमांशु, अब भी वैसी ही बनती है माँ, जैसी पहले बनती थी। दादी पहले तो यूँ बड़ी बड़ी बनती थी, मूंगफली के तेल में बनाते थे, खूब सारी दाल भरते थे, साथ में खट्टी मीठी चटनी और आलू की अमचूर वाली सब्जी होती थी, एक कचौरी 125 रुपए की आती थी, पता नहीं अब कैसी बनाते हैं। सुधा, मुझे भी एक जलेबी और कचौरी का एक टुकड़ा देना, मैं भी थोड़ा सा चख लूं। हिमांशु, माँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, पहले उल्टा सुलटा खाती हो और फिर अपनी तबीयत खराब करती हो, कभी मिठाई, कभी कुल्फी और कभी भुजिया छुपाकर खाती हो, फिर चाहे लूज मोशन की नदियाँ बहती रहे, हमें और कोई काम नहीं है क्या? दादी ये बात 100 बार सुना चुका है मुझे, अब और कितनी बार सुनाएगा? और एक टुकड़े में ऐसा क्या हो जाएगा? हिमांशु, क्या हो जाएगा माँ? आप अच्छी तरह जानती हो क्या हो सकता है? अब आप बच्ची नहीं हो माँ, आप समझना क्यों नहीं चाहती हो? दादी घर में तू अकेला ही समझदार है, और किसी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं है। रख अपनी कचौरी और जलेबी अपने पास, अब तू कहेगा तब भी नहीं खाऊंगी। बदबदाते हुए ये लड़के भी ना, हमेशा बोलते रहते हैं ये करो ये मत करो। विभा ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। वह बच्चों में अच्छे संस्कारों के प्रति हमेशा से गंभीर थी। वो ये अच्छे से समझती थी कि बच्चे जो देखते सुनते हैं बड़े होकर उसी का अनुसरण करते हैं। समय समय पर हिमांशु को भी बताती रहती थी। उसने इशारे से हिमांशु को रसोई में बुलाया और समझाने के अंदाज में बोली, माँ के साथ आप ये जो सब कर रहे हैं ठीक नहीं है, आपकी और माँ की बातें दोनों बच्चे सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब का दोनों बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे, और अगर आपको माँ से कुछ कहना भी है तो उनके कमरे में जाकर अकेले में कहो, यूँ सबके सामने नहीं। इतना कहकर विभा अपने काम में लग गई। विभा की बातों का हिमांशु पर सकारात्मक असर हुआ। हिमांशु को अपनी गलती समझ आई, आगे से नहीं दोहराने की कसम उठाई, एक प्लेट में जलेबी और कचौरी सजाई, अपने हाथ से माँ को कचौरी खिलाई, बेटे के हाथ से जलेबी और कचौरी खाकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी जरूर बताएगा।